हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी डॉट राहुल। तो अभी देख सकते हो अभी पूरा डलिया सज चुका है और अभी सब कोई रेडी हो रहे हैं। अब हम लोग निकलेंगे घाट की ओर, तो बहुत मजा आने वाला है। मम्पी हो रही है रेडी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मम्पी से मिलवाता हूँ कि मम्पी कैसे रेडी हो रही है और मम्पी क्या पहनने वाली है। और अभी ये सबको पैक करना है, बांधना है और इसको लेके जाएंगे हम, और मेरे जो भाई है वो लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं भी रेडी हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, और क्योंकि इसको छूने से पहले नहाना पड़ता है। और मम्मी भी नहा रही है, मम्मी भी डंड देते हुए जाएगी। मैं सारा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और लास्ट तक ब्लॉग को देखिएगा। तो चलिए, पहले ढोल भी आएगा इसमें, आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे ढोल के साथ हम लोग इन्जॉय करके जाएंगे घाट, और कितने लोग आते हैं और कितनी मन्नतें मांगते हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन मांग सकते हो, भगवान करे सबका मन्नत पूरा हो जाए। तो फिलहाल चलते हैं, लेट हो जाएगा। तो गाइस अभी देख सकते हो मम्पी हो रही है रेडी, और क्या कर रही हो मम्पी जरा दिखाओ। अरे यार, ओ तेरी आंखें झुकी झुकी, ओ तेरा चेहरा खिला खिला। तो अभी आज छठ पूजा, तो आज नो रोमांटिक, बहुत अच्छी भी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बस काजल से ही बहुत प्यारी लग रही हो। और आज मम्पी कह ढाने वाली है और बहुत सारे रील्स बनने वाले हैं यार। आप लोग जाना, इंस्टाग्राम की आईडी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और साइड में, तो आप लोग जाके जरूर करना। और मम्पी पूरी तैयार हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग में बहुत चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, तो आप लोग बने रहिएगा। और गाइज, इस व्लॉग का एटलीस्ट एम है 100K लाइक पहली छठ पूजा में। पहले छठ, हाँ, भाई तो बहुत उन लोग करने वाले। तो गाइज, इस वीडियोस का एम है 100K लाइक। जो भी देखेंगे गाइज, प्लीज एक लाइक करके जाना, एक कमेंट करके जाना कि कैसा लगा आपको। तो बंगाली में बोल दो यार, अमार बंधुरा। हाँ, अमार बंधुरा, এইবারে বাংলা ভাবেও ছট পুজো দেখাবো, মানে কিভাবে বাংলায় বলে বলে। তো আপনারা পুরো ব্লগ দেবেন, মজা করবেন। এখন মানে যে এখানে ঘাট আছে ওখানে মেলার মতন বসে, আমরা অনেক কিছু খাওয়া দাওয়াও করবো। তো আপনারা কন্টিনিউ এই ব্লগটা দেখতে থাকবেন, আর একটা লাইক প্লিজ, একটা লাইক, ঠিক আছে। तो गाइज, हमारा ये मम्मी क्या है, डंड देती है, इसको डंड कहना चाहते हैं। तो छठ माई का क्या है कि मम्मी ने गछा था शायद मेरे लिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरे लिए गछी है, मेरे लिए मम्मी करती है। तो ये डंड देना होता है, तो मम्मी हमेशा हर छठ में डंड देते हुए जाती है। और इससे ये मतलब नियम होता है, कोई कोई करते हैं, जो कर पाता है वो करते हैं, जो नहीं कर पाता है, जो गछता है वो करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी डंड देते हुए जा रही है और एक आम का दतमुन लेके उसको ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए घर से आगे निकला जाता है। और आप लोग देखो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय आएगा, और पूरा व्लॉग देखना। और गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100K एम है लाइक, और कमेंट्स भी यार। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट्स देख रहे हो तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करना यार, एटलीस्ट छठ माँ के लिए ज़रूर करना है ना। क्योंकि मैं, हम लोग कभी नहीं बोलते लाइक एंड कमेंट करो, बट इसके लिए तो हम बोलेंगे कि आप करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे साथ मायरा भी है, तो हमारा पहला छठ है मायरा के साथ। और मायरा का भी बहुत ये यादगार पल है, बाद में वो बहुत याद करने वाली है इस चीज़ को। तो बस आप पूरा व्लॉग देखो और ढोल का एंजॉय लो, छठ का एंजॉय लो, मस्ती से एंजॉय लो। और हाँ गाइस, प्रसाद ही खाना है तो आप लोग कमेंट में लिखना किसको किसको खाना है, अगर पॉसिबल हुआ दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग दूर भी रहते हैं, बट फिर भी यार कमेंट करना, कमेंट तो बनता है ना। और यहाँ पे मम्मी चली गई है, फिर तब तक मैं तैयार हो गया, मैं थोड़ा सा बाल वाल सेट कर लिया, और मेरे जीजा जी वापस से गए वहाँ पे, आर्यन भी आए हैं। चलो मैं मम्मी को दिखाता हूँ मम्मी कैसे तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो चलो फाइनली मैं मम्मी से भी मिलवाता हूँ। सो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी और मम्मी भी हो गई रेडी। तो बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, और मुझे ये शर्ट बहुत अच्छा लगता है, ये एक्चुअली करण भाई का है, तो बहुत मज़ा आता है मुझे ये पहनने में। और मम्मी भी हो गई है रेडी, तो मैं दिखाता हूँ कि मम्मी क्या पहनी है, मम्मी कैसी लग रही है। तो वेट, मम्मी आओ ना इधर, किचन में फिर छू छा रही है सब। तो गाइस, अभी हम लोग डाला उठाने वाले हैं, तो ये देख सकते हो, तो मेन हम लोग को छठ पूजा में डाला उठाना होता है, और नहीं उठाता हूँ तो मजा आ रहा, बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। और चलो मेरा उसको जो है, हालांकि
बहुत हैंडसम लग रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा। हाय हाय, सारा सेट वेट जाएगा खत्म। दलिया घर से निकल चुका है, मैं भी छोटू उस्ताद आगे हैं, मैं पीछे हूँ, भाई मेरे पीछे है। तो अब सीधा घाट पे हम लोग घाट की ओर चले गए। रास्ते पे आप लोग देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और सीधा आप लोगों को घाट पे मिलेंगे और अच्छी अच्छी व्लॉग और अच्छे अच्छे रील्स वीडियोज़ बनाने वाले हैं और छठ मैया की जय। तो बस क्या बताऊँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। यही तो एक साल में एक फेस्टिवल होता है जिसमें मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत इंजॉय होता है। और आप लोग गाइस जिनके घर पे नहीं होता है, आप ये ब्लॉग देख के प्रे करो, आशीर्वाद लो बिल्कुल। और कल सुबह मैं आप मम्मी के थ्रू आप लोगों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद मम्मी से दिलवाता हूँ। इधर देखो मारा और मैं, मेरा शाला छोटू सब चल रहे हैं और बस घाट में जाके थोड़ा बहुत, और ये ओम बाबा और छोटू पूरा पीछे कैमरा कर रहा है। बहुत बहुत मस्त बच्चे हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। तो चलो आप लोग इन्जॉय करो, देखो ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, आप लोग पहले ब्लॉग देखो, पूरे अच्छे से ब्लॉग देखो। ये भीड़ देखो यार, ये मज़ा है छठ का यार, आगे पीछे बहुत सारा भीड़ है। आपको पता है सारे लोग देख भी रहे थे, मम्मी लौट रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा था। उससे ज़्यादा मज़ा तो यार डलिया लेने का था, क्या मज़ा आता है यार। थोड़ा सा सर नीचे दुखता है बट मज़ा आता है, वो फिर गायब हो जाता है। छू मंतर छठ माई का कृपा से सर, छू मंतर। मारो इतना आवाज हो रहा था, पर भी अंकल घाट पे पहुंच गए हैं और ये हमारा नदी है जो कि घर के जस्ट पास में के बगल में है। तो मम्मी कितना एंजॉय कर रही है पापा के साथ, देखो मायरा भी, और पहली बार नानू भी एंजॉय कर रहे हैं छठ पूजा में। तो वो इस हाल से बता रहे हैं कि वो आगे है, मैं आगे निकल गया था तो वो मुझे दिखा रहे थे आगे करके। तो चलिए देखो मैं जा रहा हूँ, रेड टी शर्ट राहुल भैया जा रहे हैं साथ में, चल जाओ जाओ। चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा घाट पे जाके। फाइनली हमने ये जो घाट बनाया था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे धीरे धीरे लाइट सबको आ रहा है और अब थोड़ी देर के बाद पूजा होने वाला है स्टार्ट। तो बस आप लोग पूजा देखो, मेन तो आप लोगों को पूजा देखना है। तो और मम्मी भी नहाएंगी थोड़ा, तो जितने भी सारे लोग हैं गाइज आप लोग आराम से आशीर्वाद दो। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ यार इस चीज़ को लेके। तो ये हमारा छठ का डलिया, यहाँ पे देखो छठ का डलिया खुल रहा है। तो उसके बाद फिर मम्मी अरग देगी, अरग अरग का सारा क्लिप मैंने ऐड किया। आप आगे जितने आगे जाते जाओगे, वीडियोस देखते जाओगे, तो आप आगे वीडियोस पूरा अच्छे से देखना, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो मिस कर जाओगे गाइस। बिना स्किप किए वीडियोस को पूरा देखना, क्योंकि बिहार में एक साल में एक बार छठ आता है तो यार स्किप नहीं करना तो बनता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए और छठ का पूरा इंजॉय लीजिए, मज़े लीजिए। और कुछ नहीं बोलेंगे बाकी।
दे। तो गाइस यहाँ पे पहला अर्घ अब स्टार्ट हो जाएगा, तो बस इसी मोमेंट का वेट करते हैं। तो ये हमारा पहला अर्घ है और आप लोग भी यार देखो, और वहीं से अगर जो लोग नहीं आ पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जरूर आना, मैं एड्रेस दे दूंगा। बट ये पहला अर्घ स्टार्ट हो गया, तो चलिए पहला सब कोई मिलके अर्घ देते हैं। ये हमारे जीजू हैं जो पहला अर्घ दे रहे हैं, और बाकी साइड में जितने भी सिस्टर लोग हैं अगल बगल जो भी होता है वो सब आ गए, मेरे मामा जी भी आए, और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, और मेरे साथ मेरी बिटिया रानी भी आने वाली है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो मुझे पता है। तो ये है मेरी बिटिया रानी, तो मैं पहली बार अपनी बिटिया रानी के साथ अर्घ देने वाला हूँ, और मैं बुला रही हूँ एक्साइटेड, मैं अपने पापा को बुला रही हूँ, आओ आओ आओ। तो चलिए हम पहले अर्घ दे देते हैं और स्टार्ट करते हैं अर्घ। बिटिया रानी पकड़ो बेटा, वो समझ नहीं रही क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और तो ये हमारा पहला अर्घ है, बहुत हमारा बहुत इंजॉय किया है अर्घ को, और आप लोग भी गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट कर शेयर को ज़रूर करना यार। तो अब ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं देंगे, आप लोग बोर हो जाओगे, तो इससे पहले आप लोग पूरा छठ को इंजॉय करो। फिर कल मॉर्निंग में एक और सेकेंड डे अर्घ आने वाला है, तो वो भी ब्लॉग ज़रूर देखना। तो ये आज पहला अर्घ है, कल दूसरा अर्घ होगा, उसके बाद कल छठ समाप्त हो जाएगा। तो आज बस वॉइस ओवर इतना ही देंगे, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी और भी क्लिप है, रुक जाओ पहले पूरा देख लो।
जी। भाभी कल सुबह पनवेल निकलना है हम लोग को, कल सुबह पनवेल निकलना, जल्दी करिए घर। मारो मारो सुनी नहीं रही। भावे भावे वन टेक और एक टेक और ले। तो गाइस आज का हो गया है पहला अर्घ और पहला दिन, और कल है दूसरा लास्ट दिन। तो ये हम लोग डलिया बांध रहे क्योंकि नीचे बांधेंगे नहीं वो गंदा हो जाएगा, तो हम लोग को ऐसा नियम उठा के बांधा जाता है। तो पापा वो झाड़ रहे हैं जितना भी बालू लगा था, तो बस हम लोग ये कर लिए हैं उसको, आप अच्छे से झाड़ वाड़ के उसको फिर से वो जो टावल है धोती कहते हैं हम लोग, तो उस पर रख के उसको बांधेंगे फिर से वापस घर की ओर लेके जाएंगे। तो बस आज का यहीं पे हुआ। तो गाइस आज का छठ हो गया है ख़त्म, और कल सुबह सुबह अर्घ देने आएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और 100 के एम है इस वीडियो का, तो प्लीज़ 100 के पहुंचा देना। और बस आप लोगों का प्यार चाहिए। हाँ ले 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 तो छोटे रह लें थोड़े दास। तो फिर मिलते हैं कल सुबह सुबह मॉर्निंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मम्मी कुछ बोलोगी? मैं यूट्यूब फैमिली सबको अच्छा लगे भाई, तो दूर चले ना यही मांगेंगे। और आप लोग गाइस खूब एंजॉय कर रहे हो छठ पूजा का पूरा व्लॉग। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।